गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरी सुबह हो चुकी है और मैं हूँ अभी हिल हाइड आउट बीएनबी और ये है चक्कर में शिमला। आप देख सकते हो शिमला यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे है और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत उठ के अभी थोड़ी सी फॉग एरिया हो चुका है यहाँ पे। पर आप जब भी यहाँ आओ, शिमला आओ, और आप अपनी फ्रेंड्स के साथ आना चाहते हो, आप अपनी फैमिली के साथ आना चाहते हो, आपको कोई पार्टी करनी है, चिल आउट करना है फ्रेंड्स के साथ, तो यहाँ ज़रूर आना। और जिस तरीके की मेरी सुबह थी हसीन, वैसे आप अपनी यादें यहाँ से जोड़ सकते हो। और शिमला बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है यहाँ से। आप यहाँ से 360 व्यू देख सकते हो, पूरे शिमला का व्यू देख सकते हो। और ये चक्कर में है हिल हाइड आउट बीएनबी। तो जब भी आप यहाँ हो, आपने देख लिया अपार्टमेंट, बेड बहुत ही ज्यादा कम्फी है और एरिया आपने देख लिया, वुडन का वर्क है। शिमला हिमाचल में ऐसी चीज, ये तो बहुत ही ज्यादा खासियत है यहाँ की, वुडन वर्क तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और हर एक चीज यहाँ पे इतना बड़ा आपको मिरर मिलेगा जहाँ पे आप रेडी हो सकते हो मॉर्निंग। और इतना सुंदर यहाँ पे अपार्टमेंट रही हूँ फ्रेश होने के लिए। और फिर मैं आपको बताऊंगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर। सो यस, मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं आपको लेके चलती हूँ बालकनी की एरिया में, तो आओ मेरे साथ। यहाँ से खूबसूरत एक बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई देता है, ओपन है। वाओ, आज तो मौसम भी बहुत ज़्यादा साफ है। जस्ट लुक एट द व्यू, यहाँ से पूरा शिमला दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पाल मॉल रोड, जाखू टेम्पल और पूरा 360 व्यू आप देख सकते हो यहाँ पे, और कोर्ट कम्प्लेक्स भी। और यहाँ से एडवांस स्टडी भी कुछ ही दूरी पर है। तरफ है कैफे और बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू है। पहले हम अंदर से शुरू करते हैं कि कैसे करके आप आओगे। पहले मैं कैफे दिखा लेती हूँ आपको, उसके बाद अब मुझे भी पता लग रहा है कि मैं कहाँ को जाऊँ, पर यहाँ पे कैफे बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप मुझे फॉलो करो, बिल्कुल आपको होम वाली फीलिंग आने वाली है। वाओ, इतना ज्यादा खूबसूरत, इतना शांत यहाँ पे आप देख सकते हो, कितना शांत माहौल है। और इस तरफ को मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस व्यू की बात कर रही थी मैं अभी। यहाँ पे फॉगी एरिया हुआ हुआ है, पर यहाँ पे पूरा फॉरेस्ट वाला एरिया है और इतने सुंदर सुंदर ट्रीज। आपको यहाँ का व्यू आपने एंजॉय करना है, आप यहाँ का व्यू एंजॉय कर सकते हो, और इस तरफ का व्यू एंजॉय करना है तो आप इस तरफ का व्यू एंजॉय कर सकते हो, बैठ के चिल आउट कर सकते हो। और कुछ भी आपने पार्टी ऑर्गेनाइज करवानी है, आप पार्टी भी ऑर्गेनाइज करवा सकते हो यहाँ पे। और अगर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ आना है तो आप फ्रेंड्स के साथ भी आ सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि एंट्री कहाँ से होती है। आपने पहले तो एंट्री मेरी रूम से ली थी, अब मैं एक्चुअल एंट्री आपको बताऊंगी। बिल्कुल आपको घर वाली फीलिंग आएगी। यहाँ से ये डोर है और यहाँ से एंटर होते हैं, वही घूम के हम वापस यहीं आ गए। और यहाँ से ये अपार्टमेंट्स है अलग अलग, और ये रहा मेरा रूम। यहाँ से हमने शुरू किया था, यहाँ पे आपको की होल्डर भी मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो की होल्डर भी है। यहाँ पे अपनी आप कीज आराम से सेफ, ओके, और यहाँ आप आराम से रेडी हो सकते हो। तो कुछ ये था व्यू। सो यस, ये था हिल हाइडआउट्स का रिव्यू। और यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज मिलती है। आप ये बताओ मुझे, अगर आपको इससे सस्ता मेन्यू कहीं मिल गया ना तो मुझे बता देना आप कि नहीं हमने प्रोवाइड करवा दिया, क्योंकि मैं शिमला में रहती हूँ, मुझे पता है। और ये मतलब इतनी अच्छी फैसिलिटीज, और अभी बना है ये, और आपको जरूर मस्ट, मतलब मैं कह रही हूँ आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। मेरे दोस्त भी देख रहे हैं, तो प्लीज शिमला आने का प्लान बनाओ। और अगर आपने आना है तो यहीं पर ही ठहरना, ये है शिमला चक्कर में। और चक्कर में आप इनको कॉल भी कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको इनका नंबर दे दूंगी। बजट फ्रेंडली है, ऐसा नहीं बोलूं बहुत ज्यादा सस्ता है, मतलब बजट फ्रेंडली, आपके बजट में है तो आप जरूर ट्राई करें। यही था आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी हो। अब मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो भी शिमला आने का प्लान बन रहा है जिनका, उनको शेयर करें, और जो पहाड़ों में आने के शौकीन है उनके साथ भी शेयर करें। ओके देन, बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी। बाय।